प्यारे बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा का चैप्टर हाउ द कैमल गोट इज हम्प पढ़ेंगे। इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ का सार हिंदी में समझा देता हूँ। अभी अभी संसार शुरू ही हुआ था और पशुओं ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था। घोड़े, कुत्ते और बैल ने तो मनुष्य के लिए काम किया, लेकिन जब ऊँट से काम करने को कहा गया तो ऊँट ने हम्फ कहकर काम करने से इनकार कर दिया। मनुष्य ने भी ऊँट की जगह इन तीनों से दुगना काम लिया। इस बात से ये तीनों नाराज हो गए और मरुस्थल के जिन के पास गए और ऊँट की शिकायत करने लगे। जिन ने कहा कि मैं ऊँट से काम करवाऊंगा और उसे ठीक कर दूंगा। ये कहकर जिन ऊँट के पास चला गया और उसे काम करने के लिए कहा, लेकिन ऊँट ने हम्फ कहकर काम करने से इनकार कर दिया। इस बात पर जिन नाराज हो गया और देखते ही देखते ऊँट की सुंदर पीठ पर एक कुबड़ निकल आया। जिन ने कहा कि यह कुबड़ तुम्हारे निकम्मेपन के कारण पैदा हुआ है, लेकिन यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम इस कुबड़ में 2-3 दिन का भोजन और पानी स्टोर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का सार था। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द स्टोरी इज हाउ द कैमल गोट इज हम। ऊंट की पीठ पर हम मीन कुबड़ कैसे निकला। ऊंट को कुबड़ कैसे पैदा हुआ। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। संसार अभी शुरू ही हुआ था और पशु मानव के लिए काम कर रहे थे। देर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम। एक सुस्त पशु था जो हम्फ कहने के अलावा कुछ नहीं करता था। लेजी एनिमल, सुस्त पशु। इवन द क्लेवर जिन वाज एट इज विट। एक चतुर जिन भी उससे परेशान था, उससे कंफ्यूज था। एट इज विट्स मीन परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देर वॉज ए कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। वैन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब संसार नया नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और पशु मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। देर वॉज ए कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, जो कि हाउलिंग डेजर्ट के, हाउलिंग मरुस्थल के बीच में रह रहा था। Because he did not want to work, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। He ate, ate mean खाता था। He ate sticks, sticks mean डाली, डालियां। And thorns and prickles means कांटे। And when anybody spoke to him, he said humph, just humph and no more.
ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह डालियां और झाड़ी और कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बातें करता था, ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, तो वो हम्फ कहने के अलावा कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली अब इस समय द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार सुबह घोड़ा उसके पास आया, विद ए सैडल ऑन इज बैक, घोड़े की पीठ पर काठी थी, एंड सैड, और कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊंट ऊंट भार आओ और हमारी तरह तेज चलो। ट्रोट मीन घोड़े की तरह चलना। हम्फ सैड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, घोड़ा चला गया और ये बात मनुष्य को बता दी। प्रेजेंटली फिर द डॉग केम टू हिम, कुत्ता उसके पास आया, विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी थी, एंड सैड, और उस कुत्ते ने कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, कैमल ओ कैमल ऊंट ऊंट कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह लकड़ियां लाओ। हम्फ सेड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और ये बात मनुष्य को कुत्ते ने बताई, कुत्ते ने ये बात मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर बैल उसके पास गया, विद योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर जुआ था, एंड सैड, और कहा कैमल ओ कैमल ऊंट ओ ऊंट कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह खेत में हल जोतो, प्लो मीन हल जोतना। हम्फ सैड द कैमल, ऊंट ने कहा हम्फ, एंड द ओक्स वेंट अवे, और बैल भी चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और मनुष्य को ये बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, मनुष्य ने कुत्ते घोड़े और बैल को एक साथ बुलाया, एंड सेड, और कहा थ्री ओ थ्री तीनों ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे दुख है आपके लिए, मुझे दुख है, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्फ कहने वाला प्राणी है वो मरुस्थल में रहता है और वो काम नहीं कर सकता। दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, मरुस्थल में रहने वाला हम्फ नाम का प्राणी काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, नहीं तो अब तक वह यहाँ आ जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसकी जगह तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों नाराज हो गए, एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने मरुस्थल के किनारे एक पंचायत बुलाई, एंड द केमल केम च्यूइंग कड, और ऊंट जुगाली करता हुआ वहाँ आ गया, एंड लाफ एट देम, और उनके ऊपर हंसने लगा, देन ही सैड, फिर उसने कहा हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब वहाँ जिन आ गया, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो कि सभी मरुस्थलों का इंचार्ज था, मुखिया था, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, वह धूल भरे बादलों में सना हुआ आया, क्लाउड ऑफ डस्ट,
धूल भरे बादल। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा सभी मरुस्थलों के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए निकम्मा होना अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, अच्छा तो घोड़े ने कहा देयर इज ए थिंग, ठीक है घोड़े ने कहा ठीक है, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे मरुस्थल में कोई एक चीज है विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी नाक है, एंड लॉन्ग लेग्स और लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार सुबह से कोई काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वह हमारी तरह तेज नहीं चलेगा। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, जिन ने सीटी मारते हुए कहा व्यू, वह तो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह क्या कहता है? ही सेज हम्फ, वह हम्फ कहता है। एंड ही वॉन्ट फ्लो सेड द ऑक्स, बैल ने कहा वह हम्फ कहता है और वह खेत में हल नहीं चलाएगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई शैल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यदि तुम एक मिनट इंतजार करोगे तो मैं उससे काम करवा लूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर का पार्ट वन पढ़ा है और पार्ट वन में कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उनको हम देखते हैं। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड ऑक्स, तुम्हारे विचार में कुत्ते और बैल को क्या काम दिए गए? व्हाट टास्क, कौन से काम? द डॉग वाज असाइंड द वर्क ऑफ कैरिंग स्टिक्स, कुत्ते को छड़ी लाने का काम दिया गया। एंड द ऑक्स वाज असाइंड द वर्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड, और बैल को खेत में हल चलाने का काम दिया गया। व्हाई डिड द कैमल लीव इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, ऊंट मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, ऊंट मरुस्थल के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, क्योंकि वह कोई काम नहीं करना चाहता था। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस बात ने कुत्ते को घोड़े को और बैल को नाराज कर दिया? द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री, कुत्ता घोड़ा और बैल नाराज हो गए। बिकॉज द कैमल वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि ऊंट कोई काम नहीं कर रहा था। एंड दे वर आस्क्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क बाय द मैन, और मनुष्य के द्वारा उनसे अतिरिक्त काम करवाया गया। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, जिन को इस बात का कैसे पता चला कि घोड़ा ऊंट के बारे में शिकायत कर रहा है? द जिन केम टू नो दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, वेन द हॉर्स टोल्ड द जिन दैट एन एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स हैड नो वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, जब घोड़े ने जिन को बताया कि एक लंबी नाक और लंबी टांगों वाला पशु सोमवार सुबह से कोई काम नहीं कर रहा है या उसने कोई काम नहीं किया है, तो जिन समझ गया कि घोड़ा ऊंट की शिकायत कर रहा है। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा इस पाठ का पहला भाग खत्म हो गया। कल आपको हम इस पाठ का दूसरा पाठ पढ़ाएंगे।